एक तरफ जहां इजरायली सेना लेबनान में सीमित ऑपरेशन के तहत घुस चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल के ऊपर ईरान के हमले का खतरा मंडरा रहा था। और तो और, इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का ज्वालामुखी फट चुका है और इसमें सीधे ईरान की एंट्री हो चुकी है। दरअसल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसकी वजह से पूरे इसराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने तुरंत लोगों से बम शेल्टर में जाने की अपील की है। वहीं ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ कई मिसाइलें दागी। IRGC के मुताबिक ये हमला हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला और निलफोर हुसैन की मौत का जवाब है। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने इस हमले के साथ ये भी कह दिया है कि अगर इसराइल ने ईरानी हमलों का जवाब देने की जरूरत की तो उसको गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा। वहीं इजरायली मीडिया ने कहा कि ईरान की तरफ से करीब 300 रॉकेट दागे गए। वहीं टाइम्स ऑफ इजरायल का कहना है कि इसमें से 180 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जबकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इजरायल पर पहली मिसाइल 15 मिनट के भीतर ही आकर गिरी, जिसे देखकर लगता है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की हैं। במהלך ההגנה ביצענו לא מעט עירותים. ישנם פגיעות בודדות במרכז ובמרחבים נוספים בדרום הארץ. בשלב זה אנחנו עדיין מעריכים את המצב, אנחנו לא מכירים נפגעים, וזאת הודות להתנהלות האחראית שלכם. בנוסף אנחנו מבקשים לא לתת מידע לאויב ולא להעביר מיקומים ותיעודים ממרחבים בהם ישנן פגיעות. אנחנו נמצאים במוכנות גבוהה, בהגנה ובהתקפה. אנחנו נגן על אזרחי מדינת ישראל. יהיו לירי הזה השלכות. יש לנו תוכניות, אנחנו נפעל במקום ובזמן שנחליט. वहीं ईरानी सेना का कहना है कि उसने सिर्फ इजरायली आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि ईरान ने इजरायल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों का पूरा जत्था फायर कर दिया है, जिन्हें जॉर्डन के आसमान में देखा गया। रॉयटर्स के मुताबिक दर्जनों मिसाइलें जॉर्डन को पार करते हुए इजरायली एयर स्पेस में जा घुसी और इससे कई इलाकों में नुकसान भी हुआ है। हालांकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलों को जमीन पर फटते हुए भी देखा जा रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने ईरानी हमलों पर बहुत बड़ा बयान दिया है। IDF का कहना है कि ईरान को इस हमले की सजा भुगतनी होगी। और इस सबके बीच अमेरिका ने ईरान से दो टूक कह दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज को इसराइल की मदद के लिए तैयार रहने का ऑर्डर जारी किया है। We do not know of any damage to aircraft or strategic military assets in Israel. In short, based on what we know at this point, this attack appears to have been defeated and ineffective. लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इन हमलों में इजरायल को कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
المدينة الرياضية عمان. يلا اقعد عادي.